मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। एक ओर जहां पूरा उच्च हिमालयी क्षेत्र कम बर्फबारी के चलते सूखे से जूझ रहा है, गुलमर्ग कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश की सोलंग वैली बर्फ के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की एकमात्र विंटर डेस्टिनेशन औली में भी नाम मात्र की बर्फबारी हुई है। स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली की नंदा देवी इंटरनेशनल इसके स्लोप भी बर्फ बिन सूखी ढलानों में तब्दील है। बावजूद इसके इसी लोकेशन में कुछ कर गुजरने का हौसला रखने वाले पर्यटन कारोबारियों ने हिम्मत दिखाते हुए औली में ही साल के पहले नेशनल स्नो स्की कोर्स प्रारंभ कराकर सीमित बर्फ और संसाधनों के बावजूद सुरक्षित औली, सेफ औली, विजिट औली का संदेश विंटर डेस्टिनेशन औली आने वाले सभी पर्यटकों को दिया है। राहुल गांधी की असम यात्रा के दौरान असम के नौगांव में राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन करने से बीती रोज रोक दिया गया था। इसी को लेकर आज महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि कल इतना पावन दिन था और उसके बावजूद राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया। इसकी संपूर्ण कांग्रेस पार्टी जमकर निंदा करती है। धार्मिक स्थल पर यदि किसी को जाने से रोका जाता है तो वह निंदनीय है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। इसे हिंदू धर्म की आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। जैसे कि असम में मंदिर में जाने से रोका गया, इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई व्यक्ति दर्शन करने जाना चाहता है तो स्वतंत्र है, वो जा सकता है। और सनातन धर्म में एक सनातनी को रोका गया है वो बहुत ही गलत है, जिसका आज हम लोग सब लोग यहाँ पे आके इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं। बारलोगंज क्षेत्र के क्रिश्चियन विलेज में एक मकान में आग लगने से वहां रखा सारा सामान जल गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में हमने जल संस्थान से बात करी है कि यहां पे हाइडेंट वाइडेंट लगाने के लिए व्यवस्था की जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उन्होंने कहा कि अभी इसमें कार्रवाई हो जाएगी, करवा देंगे के लिए अभी प्रस्ताव जा रखा है।